हेलो बच्चों, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेन पाइप पर, अगर क्वेश्चन आपका नहीं बनता है तो आप इसको 10 मिनट इस वीडियो को देखें, आराम से आपका क्वेश्चन सारा बनेगा। ऑर्गेन पाइप से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है आईटी मेन का, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको हम ऑर्गेन पाइप का क्वेश्चन कैसे बने इसके लिए एक बार फॉर्मूले को हम रिविज़न करा देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो देखिए, आपको पता है कि ऑर्गेन पाइप जो है दो तरह का होता है, ओपन ऑर्गेन पाइप और क्लोज ऑर्गेन पाइप। ओपन ऑर्गेन पाइप में क्या निकलता है, कैसा फ्रीक्वेंसी निकलता है, ऑड या इवन या सारा? ओपन ऑर्गेन पाइप में सारा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर हम बात करें ओपन की, तो ओपन में जो आता है आपका वी अपॉन 2L, ये फंडामेंटल होता है, फिर 2V अपॉन 2L, 3V अपॉन 2L, 4V अपॉन 2L, ऐसे आता है। तो ये आपका मान लेते हैं सपोज N1, N2, N3, N4, लाइक दिस, ये ऐसे चलेगा। ओपन में ये हुआ। फिर अगर हम क्लोज्ड की बात करते हैं तो क्लोज्ड में क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात, हमेशा ही ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे, ठीक है? तो साहब, यहाँ पर जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है? वी अपॉन 4L, फिर इसके बाद 3V अपॉन 4L, इसके बाद 5V अपॉन 4L, इसके बाद 7V अपॉन, बिल्कुल ठीक, N1, N2, N3, N4, लाइक दिस, है ना? ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ गए ना? N1, N2, N3, ये N4 है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? तो 5V अपॉन 4L, 5V अपॉन 4L, ये आपका कितना हो जाएगा? 7V अपॉन 4L। तो ये आपका इस तरह से ये चलेगा, कोई दिक्कत इसमें? ये समझ गए? अब यहाँ देखो, और ये भी तरीका बताएं कि इसको याद कैसे रखना है, है ना? ये N3N 5N 7N, ये ऐसे चलेगा, ठीक है? और इसमें क्या था देखो तो, N2N 3N 4N 5N, ये ऐसे चलेगा, ठीक है ना? और ये भी आपको पता है कि इसमें कौन सा हार्मोनिक होगा तो कौन सा ओवरटोन होगा, है ना? जैसे बताओ, अगर हम ये पूछते हैं, ऑलरेडी अभी खुद एक क्वेश्चन है कि ये जो है ओवरटोन कौन सा है, ओवरटोन कौन सा है? फंडामेंटल फर्स्ट सेकंड, कौन सा है? सेकंड ओवरटोन है, ठीक ना? हार्मोनिक कौन सा है? हार्मोनिक कौन सा है? थर्ड हार्मोनिक है, बिल्कुल सही बात। और याद रखने का तरीका क्या बताए हैं? यहाँ पर अगर 3 है तो थर्ड हार्मोनिक होगा, यहाँ पर 3 है तो थर्ड हार्मोनिक होगा। आई बात समझ में? जैसे ये कौन सा हार्मोनिक होगा? फोर्थ हार्मोनिक होगा। ये कौन सा हार्मोनिक होगा? सेकेंड हार्मोनिक होगा। देखने का तरीका यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, 3 है थर्ड हार्मोनिक हो गया, 4th है, तो यहाँ 4 है तो 4th हार्मोनिक हो जाएगा। कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, ठीक बात है। तो अब ये बताओ, इसको ओवरटोन कौन सा बोलेंगे? थर्ड ओवरटोन। हार्मोनिक कौन सा बोलेंगे? कोई तकलीफ इसमें? बिल्कुल सही बात है। तो याद रखने का तरीका, ओपन में अगर nth ओवरटोन है साहब, nth ओवरटोन है तो हार्मोनिक क्या होगा? एक ज़्यादा, मतलब n+1th हार्मोनिक होगा। बोलो साहब, कोई तकलीफ है इसमें? ये समझ गए? तो ये याद रहेगा? तो याद रखने का तरीका एक बार फिर सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि हार्मोनिक देखना है तो यहाँ देखना है कि क्या होगा। 2 है सेकेंड हार्मोनिक, 3 है थर्ड हार्मोनिक, 4 है फोर्थ हार्मोनिक। और ओवरटोन देखने का तरीका
समझ लो जैसे याद रखने का तरीका, हालांकि ये नहीं करें कि ये तरीका बिल्कुल उचित है, लेकिन याद जैसे रहे सब बात सही है। जैसे मकान में सबसे जो पहला फ्लोर होता है वो फर्स्ट फ्लोर नहीं होता, वो ग्राउंड फ्लोर होता है, तो वो फंडामेंटल हो गया। तो उसी तरह से ये हो गया आपका फंडामेंटल, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद है ना सेकेंड ओवरटोन, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, सब डिसाइड हो गया। बात समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? और हार्मोनिक के लिए तो बता ही दिए हैं कि यहाँ पर देखना है कि क्या है, ठीक है। क्लोज्ड में अब ये बताइए, जिसके बारे में पूछे इसी के बारे में बताओ, ये हार्मोनिक कौन सा होगा? तो हार्मोनिक देखने का बिल्कुल फिर वही तरीका होगा कि यहाँ पर देखिए क्या है, पाँच है तो फिफ्थ हार्मोनिक होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, सात है, सेवन्थ हार्मोनिक होगा, ठीक है। जैसे इसके बारे में पूछें तो ठीक है फिफ्थ हार्मोनिक है, ये बात तो ठीक है। अब जरा ये भी बता दो साहब कि ये हार्मोनिक तो हो गया, ओवरटोन कौन सा है? ये फंडामेंटल हुआ, ये फर्स्ट होगा, आइए तो यह जो है सेकेंड ओवरटोन होगा। बात समझ में आया या नहीं आया? फिर जैसे इसके बारे में पूछें, बोलो साहब ये हार्मोनिक कौन सा होगा? यहाँ पर देखना है क्या है, क्या है? सेवंथ हार्मोनिक। तो ये सेवंथ हार्मोनिक हो गया साहब। ओवरटोन कौन सा है? है ना फंडामेंटल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड ओवरटोन। बात समझ में आया, कोई तकलीफ इसमें? ठीक बात। अब एक जनरल रिलेशन, जनरल फॉर्मूला बन रहा है कि कौन सा ओवरटोन, कौन सा हार्मोनिक। अब क्लोज्ड की बात हम कर रहे हैं, और इसमें अगर nth ओवरटोन हो, nth ओवरटोन हो साहब, तो हार्मोनिक कौन सा? तो 2n प्लस 1th हार्मोनिक, यही ना। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी कई बार इवन आईटी में भी ये पूछा हुआ है, और कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कौन सा ओवरटोन, कौन सा हार्मोनिक, ठीक है ना, और nth ओवरटोन 2 प्लस 1th हार्मोनिक। आई बात समझ में? और यहाँ पर क्या है, nth ओवरटोन तो एक ज़्यादा हार्मोनिक, एक ज़्यादा हार्मोनिक, और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में सेम होता है, सेम एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। हाँ बिल्कुल सही बात, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, होता है ना। बोलो कोई तकलीफ इसमें? तो पहले तो ये पूरा रिवाइज हो गया, पहले तो इतना बात अगर आपको पता है तो समझ लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है ऑर्गन पाइप का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन की बात करें, इसको आप लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज्ड फ्रॉम 1 इंच, 85 सेंटीमीटर का है और 1 इंच पर क्लोज किया गया, 85 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन इफ एयर कॉलम इन द पाइप हुज फ्रीक्वेंसी बिलो 1250, मतलब 1250 के नीचे आना चाहिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पर जैसे 340 दिया हुआ है, 340 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन जो कहे उसी को मानना है, क्वेश्चन जो कहे उसी को मानना है। ऐसे तो 330 होता है, लेकिन क्वेश्चन जो कहे उसी को मानना है। तो यहाँ पर देखिए 340 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और इसमें हम लोग को अब निकालना क्या है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, और लेंथ आपको दिया हुआ है, और ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। कैसा ऑर्गन पाइप है? ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। कैसा ऑर्गन पाइप है? तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है बोलिए साहब? वी अपॉन 4L, यही ना। तो चलिए हम पहले इसकी बात कर लें, वेलोसिटी कितना है, 340 है, नीचे 4, और लेंथ कितना है, 85 सेंटीमीटर है, मीटर करिएगा 0.85, इसको हटाइए ऊपर 00, ये 4 में कटेगा, ये सीधा 100 हो गया साहब।
कोई तकलीफ इसमें? तो ये एन वन तो आपको मिल गया, फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है जरा बोलिए तो साहब, दूसरा क्या होता है? क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए 3B/4L, या डायरेक्ट इसको 3N कर सकते हैं? तो एकदम सीधा 3, और यहाँ पर इसको 100 से गुना करिए साहब, 300HZ हो गया ना साहब। कोई तकलीफ इसमें? N2 क्या होता है साहब? 3 के बाद क्या हो जाएगा? 5N। एन को B/4L लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। पाइप का लेंथ थोड़ी बदल रहा है, पाइप का लेंथ थोड़ी बदल रहा है, नहीं बदल रहा। तो इसका मतलब ये सीधा 5N कर दीजिए साहब, तो 5×100 कितना हो गया साहब? है ना, तो 500HZ। अभी इसके बाद फिर कितना हो जाएगा? है ना, 7 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो कितना हो जाएगा? 700HZ। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? 9N। कोई तकलीफ इसमें? तो ये कितना हो जाएगा? 900। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? 1100। है ना, 1, 3, 5, 7 ऐसे जाएगा। फिर N7 कितना हो जाएगा? 1300। लेकिन ये लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें बस यही आपका, जैसे है मान लीजिए 2 है 4 है 6 है 8 है, तो कई तो आपका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 6 हुआ ना। जैसे इसी तरह से आपका ऑप्शन है कि 4 पहला ऑप्शन है, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 8 हो गया, है ना, चौथा 12 हो गया, तो कितना है? आई बात समझ में? बात क्लियर हो गया? कोई तकलीफ इसमें? है ना, ये लिख लिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं पहले नेक्स्ट, और ये भी जो आपका है IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसको भी लिखिए पहले। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है, ए पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? F है इन एयर। पाइप इज डिप्ड इन डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट्स इन वाटर। देखो सबसे पहले तो ये ऑर्गन पाइप कैसा है? ऑर्गन पाइप कैसा है? ओपन है, तो पहले तो ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना प्रोड्यूस होगा? तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि F है, F तो है, और इसका होगा कितना जरा बताओ तो, कितना होगा बताओ तो? बिल्कुल ठीक है, V upon 12। आई बात समझ में? अब उसके बाद यहाँ देखो दूसरा जो है क्या कर रहा है कि इसको जो डाल दिया गया पानी में, तो लो यहाँ पर पानी दिया, उसके बाद जो इसको डाल दिया गया पानी में इस पाइप को, और डाला कैसे गया है? डाला कैसे गया है? आधा रहना चाहिए पानी में। अच्छा ये बताओ पानी में डालने का क्या मतलब है? पानी में क्यों डाल रहा है? क्वेश्चन लेंथ आधा हो जाए, बिल्कुल सही बात है, तब तो बिल्कुल समझदार हो, एकदम सही बात। ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन में दम कहाँ रहा, फिर तो बन गया आपका। यहाँ पर जो है ये आपका जैसे लेंथ हो गया सपोज L, और ये कितना हो जाएगा आपका साहब? अब L/2 हो जाएगा। अच्छा मान लो कि पानी में डाला गया, अगर किरासन तेल में डाला जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या क्वेश्चन को? सरसों तेल में थोड़ा महंगा है, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी लिक्विड में डालो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे पानी में डालो, किरासन तेल में डालो, सरसों तेल में डालो। तो मतलब इंटेंशन यह है कि आपको क्या बनाना है? हाफ करना है लेंथ उसका, और हाफ जैसे लेंथ हो गया तो पाइप कैसा हो गया? क्लोज की ओपन? पाइप कैसा हो गया? है ना, पाइप कैसा हो गया? क्या बता दिया, घुरा के देख रही हूँ। तो जब पानी है तो फिर तो क्लोज ऑर्गन पाइप बनेगा ना, है ना। इंड करेक्शन में भी तो यही बता रहे थे ना कि पानी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पर हम लोग जो गिराते हैं तो वो क्लोज ऑर्गन पाइप बनाते हैं डिफरेंट लेंथ का। तो यहाँ पर आधा इसको डाला गया। अब किसी को मन में ये तो नहीं हो रहा कि ये डालेंगे तो यहाँ तक पानी आएगा कि नहीं? ओपन ऑर्गन पाइप आएगा, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों इंड तो खुला है, तो इसलिए आराम से आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो अब साहब जरा ये बताइए, ये जो आपका पाइप हुआ आप, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया ना साहब, अब ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हुआ ना, फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ना फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब यहां पर देखो
क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना हो जाएगा साहब, बोलो तो साहब। इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं सपोज कि एफ वन, एफ मान रहे थे एफ वन ही ले रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वी अपॉन फोर एल, लेकिन एल के स्थान पे कोई तकलीफ इसमें, तो इसका मतलब ये टू ऊपर चला गया ना, टू बी अपॉन फोर एल कितना हो जाएगा टू बी अपॉन फोर एल, तो ये एफ वन हो जाएगा ना, कोई तकलीफ इसमें। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ, अब कितना होगा, तो अब कितना होगा, तो यहाँ देखो ये एफ वन हो गया और ये दो और चार तो फिर कट गया ना इससे दो से, तो वी बाई टूएल हो गया, तो इसका मतलब एफ वन भी इतना ही और पहले कितना था, तो दोनों तो बराबर हो गया ना साहब, इसका मतलब दोनों एफ वन बराबर, तो कौन सा ऑप्शन हो गया ए नंबर हो गया, बोलो कोई तकलीफ है इसमें, ये समझ गए या नहीं, ठीक है तो इसको लिख लीजिए, फिर हम एक और इसमें क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखो इसमें कई क्वेश्चन आईटी में एक दो बार रिपीट भी किया है, एक क्वेश्चन जो है हम खाली पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए, आपको लगेगा कि ये खुद हम क्वेश्चन बना चुके हैं, यह जो है दूसरे ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर, द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इन वाटर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज नाउ कितना, फिर तो वही आपका सेम क्वेश्चन हो गया, तो देखिए ये क्वेश्चन का रिपीटेशन है, ये दूसरे ईयर का है लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो क्या समझे कि आईटी में भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसा है नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, और टाइप तो बहुत रिपीट होता है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, लिखिए पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, एन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप P1 closed at one end, vibrating in its first harmonic. First harmonic and another pipe P2 open at both the ends vibrating in the third harmonic are in resonance with a given tuning fork, the ratio of length of P1 and P2 is length का ratio दोनों पाइप का, P1 और P2 जो पाइप है उसके लेंथ का रेशियो, और ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 8/3, दूसरा ऑप्शन 3/8, तीसरा ऑप्शन 1/6, चौथा ऑप्शन 1/3। देखिए ये क्वेश्चन, तो साहब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गन पाइप P1 क्लोज्ड एट वन एंड
ऑर्गन पाइप है पी वन और ये क्लोज्ड है, पी वन है ये मान लीजिए, एक एंड पर क्लोज्ड है, वन एंड वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट करता है। तो साहब फर्स्ट हार्मोनिक में क्या फ्रीक्वेंसी होती है, एन वन मान लेते हैं, और फर्स्ट हार्मोनिक में क्लोज्ड का फर्स्ट हार्मोनिक बोला दिया कितना, वी अपॉन फोर एल, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट हार्मोनिक। एंड अनदर पाइप पी टू, दूसरा पाइप लिया पी टू, और ये क्या है ओपन की क्लोज, ये है ओपन, जरा देखिए ओपन एट बोथ द एंड्स, वाइब्रेटिंग इन द थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है साहब, ये पी टू है और थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा बोलो तो साहब, होगा याद भी रहेगा कि नहीं इसे, थ्री वी अपॉन, तो थर्ड हार्मोनिक तो यहाँ पर तीन लगा दिया, फर्स्ट हार्मोनिक यहाँ पर एक लगा दिया, तो बोला ऐसे याद रहेगा कि नहीं, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, है ना, इसलिए बोले कि क्वेश्चन बनेगा कैसे नहीं, है ना, एकदम गारंटी के साथ बनेगा, हो सकता है 100% की तो खैर बात नहीं करते, लेकिन 60-70-80 आराम से बनेगा, है ना, प्रयास करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनने का कोई कारण नहीं है, है ना, अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब आप ठीक से पढ़े नहीं हैं या आपको ठीक से पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, दोनों में गड़बड़ी है, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए साहब वी बाई फोर एल वन, और इसके बाद यहाँ पर जो है थर्ड हार्मोनिक आर इन द थर्ड हार्मोनिक का फॉर्मूला थ्री बी अपॉन टू एल, लेकिन इसमें निकालना क्या अब ये बताओ, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पी वन एंड पी टू, इसका लेंथ मान लेते हैं एल वन, इसका लेंथ मान लेते हैं, इसको कर दिया वन, इसको कर दिया टू, और चूंकि रिजोनेंस वाली बात है, जब बात रिजोनेंस की होगी तो दोनों बराबर होगा, रिजोनेंस होता ही है, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए साहब, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो इसका मतलब इन केस ऑफ रिजोनेंस, चूंकि हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, हम तो गरीब आदमी, हम कुछ नहीं बोलते हैं, जो बोलता है सो क्वेश्चन बोलता है, लेकिन हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय आरकेजे है ना, फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर वी अपॉन फोर एल वन, और उसके बाद थ्री वी अपॉन टू एल टू, कोई तकलीफ इसमें, अब यहाँ पर देखिए साहब, तो यहाँ जो है बोलो इसमें जो है निकालना क्या हमको है, एल वन और एल टू, एल वन को उधर कर दें या एल टू ही कर लो, उसके बाद फिर पलटा देंगे, एल टू अपॉन एल वन ही कर लेते हैं, थ्री नीचे फोर इंटू टू कितना हो गया साहब, थ्री अपॉन एट ना, देख लो ठीक है ना, कोई तकलीफ इसमें, लेकिन हमको चाहिए क्या, चाहिए हमको क्या, यही चाहिए ना, रेशियो ऑफ पी वन एंड पी टू, तो पी वन को एल वन मान रहे हैं, देख लो यहाँ पर, हाँ टू एल, एक बार यहाँ देख लो कैलकुलेशन, वी अपॉन फोर एल वन वन और ये थ्री वी अपॉन टू एल वन, तो यहाँ पर जो है एल टू अपॉन एल वन हम लोग ले रहे हैं, एल टू को इधर लाया, ठीक है ना, एक बार देख लीजिए यहाँ, एल टू को हम इधर लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जब एल टू को इधर लाएंगे तो ये फोर किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ पर थ्री इंटू फोर अपॉन टू, ठीक है ना, तो कितना हो गया साहब यहाँ पे बोलो कितना हो गया, 12 अपॉन टू, तो ये कितना हो गया, तो ये L2 अपॉन L1 हुआ, लेकिन हमको चाहिए क्या, L1 अपॉन L2, तो कितना हो जाएगा L1 अपॉन L2, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा, तो ये आपका आंसर हो गया, बोलो इसमें कोई तकलीफ है, ये क्लियर हो गया। हेडलाइन अगेन, हमने क्या किया, एक बार इसके लिए फॉर्मूला लिखा और एक बार इसके लिए फॉर्मूला लिखा, थर्ड हार्मोनिक है तो यहाँ पर तीन होना चाहिए, फर्स्ट हार्मोनिक है तो यहाँ पर ये वी अपॉन फोर एल हो गया, एक को एल वन माना, एक को एल टू माना, उसके बाद रिजोनेंस का केस है, दोनों को बराबर कर दिया, रिजोनेंस का केस है, दोनों को बराबर कर दिया, बाकी एल वन अपॉन एल टू निकालना है, फिजिक्स इसका पर यहीं खत्म हो गया, एल वन अपॉन एल टू, इसको इधर करिए, बाकी आपके पास आंसर एल वन अपॉन एल टू वन बाय सिक्स। बोले इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, और इंड करेक्शन के लिए भी बताए ही हैं, है ना, इंड करेक्शन का
फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, इंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स के लिए एल टू माइनस थ्री एल वन अपॉन टू, है ना। एक क्वेश्चन और जो आईटी में पूछा है, इंड करेक्शन का मतलब खाली है, इसमें एल टू दिया हुआ है, एल वन दिया हुआ है और इंड करेक्शन को निकालना है। एल टू दिया हुआ है, एल वन दिया हुआ है, क्या निकालना है साहब? इंड करेक्शन को इसमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो, और ये आसान क्वेश्चन है, आप L2 L1 देते हैं, बाकी निकालिए। L2 99 और L1 32 निकालिए। L2 99 और L1 32, इंड करेक्शन निकालिए। इंड करेक्शन को आपको निकालना है, कितना? इंड करेक्शन को निकालना है। बोलो आ गया कि नहीं? क्या भारी क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है? तो बस आपके पास इंड करेक्शन का फॉर्मूला होना चाहिए। एक्स इक्वल टू एल टू माइनस थ्री एल वन अपॉन टू, ये आपके पास है साहब। एल टू कितना है? 99। एल वन कितना है? 32 अपॉन टू। तो बोलो साहब कितना हो गया ये अपॉन टू? तो ये कितना हो गया, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका इंड करेक्शन का वैल्यू हो गया। बोलिए कोई तकलीफ है? ये समझ गए? तो ठीक है, इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय आर के जे सर। थैंक यू।